हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका फिर से वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम बीएससी बॉटनी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उन सब के लिए जो एक सीरीज़ हमने लॉन्च की है बॉटनी के आपके सिलेबस की, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टेनिंग्स किसे कहते हैं, कितने टाइप के स्टेनिंग होती है, सिंपल स्टेनिंग क्या होती है, डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होती है, स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग क्या होती है। उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट डाइज के बारे में डिस्कस किया था कि एसिडिक डाई क्या होती है, बेसिक डाई क्या होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसी अच्छी डाई की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कि उसके पास एक ग्रुप होना चाहिए जो किसी पर्टिकुलर कलर को रिटेन करे, और एक ग्रुप होना चाहिए जो सेल की पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के हिसाब से उसके साथ जाके बाइंड करे। तो ये सारे डाई के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव स्टेनिंग्स की क्या क्या बेसिक्स हैं, और फिर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि प्रोसीजर क्या होता है स्टेनिंग करने का। आप चाहे एसिड फास्ट स्टेनिंग करें, चाहे आप ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग, कोई भी प्रकार का अगर आप स्टेनिंग करते हैं तो वहां पे जो चीजें होती हैं उसका जो प्रोसीजर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। उस प्रोसीजर के बारे में क्लियर कई बार रिवीजन करें कि आज स्टोरी मैंने आपको आपकी प्रीवियस क्लास में बताई है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो देखनी है ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो, तब जाके आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव या एसिड फास्ट जो स्टेनिंग की जो प्रोसेस होती है, जो ये डिफरेंशियल जो स्टेनिंग का एक तरीका है, उसके बारे में आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो उस वीडियो में हमने यहाँ पेंट किया था कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो स्टेनिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्यों अलग होती है, और ऐसा क्या है ग्राम स्टेनिंग और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जो वो एक बैक्टीरिया किसी कलर को रिटेन कर सकता है जबकि दूसरा बैक्टीरिया उस कलर को रिटेन नहीं कर पाता है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से लिए गए हैं, जहाँ पे अभी फर्स्ट ईयर के जो सेमेस्टर एग्जाम हुए थे वहाँ से कुछ MCQs लिए गए हैं जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में सॉल्व कराए जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आज के टॉपिक में आपको पढ़ना है कि ग्राम स्टेनिंग क्या होती है। तो इसका नाम सबसे पहले बात समझ में आती है कि स्टेनिंग का मतलब तो आपको समझ में आता है कि क्या होता है, रंगना, किसी भी चीज़ को कलर करना, किसी भी चीज़ को डाई करना। लेकिन ग्राम का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ग्राम स्टेन को कर देना, ग्राम का मतलब कुछ तो होगा, तभी इस टॉपिक का नाम है ग्राम स्टेनिंग। तो यहाँ पे इसका ग्राम स्टेनिंग नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जो इन्वेंटर थे जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग जैसी प्रक्रिया का आविष्कार किया था, सबसे पहले किया था, उनका नाम था, वो डेनिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। आपको नॉर्मली लिखा होगा या क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ग्राम स्टेनिंग की डिस्कवरी किसने की, तो आपको पूरा याद रखना है डेनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम। एक बार मैंने पेपर में देखा था कि पूरा नाम सेम दिया था, हैंस क्रिश्चियन ग्राम दिया था, लेकिन दो ऑप्शन दिए थे, एक में दिया था डेनिश और एक में दिया था डच। इस तरीके से दो क्वेश्चंस बन चुके थे, तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो जाता अगर उनको ये पता नहीं होता कि वो डेनिश साइंटिस्ट थे कि डच साइंटिस्ट थे। तो इनका पूरा नाम याद रखेंगे कि जो ग्राम स्टेनिंग के जो इन्वेंटर थे उनका नाम था डेनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन, ठीक है। उसके बाद ग्राम हु डेवलप द टेक्निक्स इन 1884, मतलब ग्राम स्टेनिंग की जो प्रक्रिया की जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी, 1884 में, ठीक है। ये इसका क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन कि आखिर इस नाम का मतलब, इसमें जो ग्राम वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब क्या है, क्योंकि ये जो इन्वेंटर नॉर्मली क्या होता है किसी भी जो प्रोसेस का नाम रखते हैं तो उस प्रोसेस से रिलेटेड किसी चीज़ से हट का लेके उसका नाम रख देते हैं, या फिर उस प्रोसेस के बारे में जिसने बताया उसके नाम के हिसाब से नाम रख दिया जाता है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है जैसे बैक्टीरिया की अगर हम उनके उनके जो सेल वॉल के ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल अगर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करें तो बैक्टीरिया जो है वो दो प्रकार के होंगे, एक होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होगा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम
निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, देखिए ये एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का। कुछ कैरेक्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल वॉल के, कुछ ऐसे कैरेक्टर आप नॉर्मली सेल वॉल कह सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो यूकैरियोट्स हो ऑलमोस्ट सेम होती है। उसमें भी लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। जैसे किसी बैक्टीरिया की अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको लिपिड्स मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। और अगर आप किसी यूकैरियोट्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। उनके फंक्शन के हिसाब से, मतलब वो क्या काम कर रहे हैं उस हिसाब से, जो कंपोजिशन है मतलब कितना परसेंट प्रोटीन है कितना परसेंट लिपिड है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो कंपोजिशन होता है, वो हर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। इसका मतलब कि जब से लाइफ की ओरिजिन हुई थी तब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, जो उसका फंक्शन था, वही उसका फंक्शन अभी भी है। उसमें बस थोड़े से मॉडिफिकेशन हुए, थोड़ी सी एडवांस लेवल उसमें ऐड हुआ है, लेकिन जो बेसिक जो किसी भी चीज का बेस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेम है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे यूकैरियोटिक हो। तो सेल वॉल के हिसाब से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मतलब कि अलग अलग किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उनकी सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो आपका फिगर दिया गया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, ये जो फिगर है वो किसका है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, पॉजिटिव बैक्टीरिया का। और यहाँ पे जो फिगर है डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ये है, और ये है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला रीजन देखें, जैसे कि ये वाला जो रीजन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसके जो है फॉस्फोलिपिड वाला पार्ट है, ये इसका जो है यहाँ पे ये वाला जो इसका हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, ये होता है हाइड्रोफिलिक रीजन। कौन सा रीजन, हाइड्रो, आप जब जूलॉजी में फर्स्ट यूनिट पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो इसके जो बाहर वाला रीजन होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक रीजन, या इसको कहते हैं पोलार हेड। पोलार हेड मतलब इसकी जो हेड होती है वो पोलार नेचर की होती है, और इसके बीच का ये जो रीजन होता है इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक रीजन, हाइड्रोफोबिक रीजन। और ये क्या होता है, ये होता है इसका टेल होता है, इसका नॉन पोलार लिख देते हैं रीजन, इसका क्या होता है नॉन पोलर टेल। ठीक है, तो ये इसकी जो है बेसिक चीज़ें हैं। आप ये इसका हाइड्रोफिलिक रीजन है और ये इसका बीच वाला जो है हाइड्रोफोबिक रीजन है। तो आप देखिए, चाहे आप ग्राम पॉजिटिव का देखें फिगर या फिर ग्राम नेगेटिव का देखें, ये जो फिगर्स हैं वो दोनों में सेम है, सम सेम है। ये जो लिपिड वाला, फॉस्फोलिपिड वाला जो हिस्सा है और जो प्रोटीन्स है उनके जो अरेंजमेंट है वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, दोनों में सेम होती है। मतलब इसके स्थान पे तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में चीज़ें समान है। अब उसके ऊपर आते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे आगे की चीज़ें लिखनी है, तो इसको इरेज कर देते हैं। फॉस्फोलिपिड्स और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वाली चीज़ें तो आपको आप 11 12th से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होंगी। जल रोधी और जल विरागी, जिसको कहते हैं जल प्रेमी, जल स्नेही या जल विरागी, वही वाली चीज़ें। ये वाला जो रीजन है वो रीजन है इसका पेप्टिडोग्लाइकॉन। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो सेल वॉल होती हैं बैक्टीरिया की वो किसके मिलके बनी होती हैं, वो मिलके बनी होती हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स की।
बात समझ में आई। जब प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ था तो उनके चारों तरफ के एनवायरनमेंट से उनको बचाने के लिए, उनको एक सेफ प्रदान करने के, उनको रिजिडिटी मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी कुछ कवरिंग पाई जाती थी जो कि पेप्टिडोग्लाइकॉन्स की मिलकर बनी हुई थी। उसके बाद जब सेल की इवोल्यूशन हुई तो धीरे धीरे ये जो कोशिकाओं के बाहर जो पेप्टिडोग्लाइकॉन था वो नष्ट होने लगा। कुछ बैक्टीरिया थी जो पेप्टिडोग्लाइकॉन अभी भी कंसिस्ट की थी और कुछ अलग टाइप की बैक्टीरिया का ओरिजिन हुआ जिसके पास पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं था, मतलब उनके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, उनके पास उसके बाहर कोई स्ट्रक्चर नहीं थी। उस टाइम क्या हुआ था कि साइटोस्केलेटन, हर सेल का अपना एक स्केलेटन होता है जो कि उसके मतलब कि शेप और साइज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर्स है। तो प्रोकैरियोटिक सेल से जब यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन होने लगा तो ये पेप्टिडोग्लाइकॉन उन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता था, क्योंकि अगर पेप्टिडोग्लाइकॉन पाया जाता था तो वो सेल काफ़ी रिजिड हो जाती थी, उनकी मूवमेंट में या फिर उनके शेप चेंज करने में, उनके इन्वेजिनेशन में। क्योंकि जैसे कोई सेल थी पहले प्रोकैरियोटिक सेल थी, तो ये माना जाता है कि इन सेल में जब इनवेजिनेशन हुआ इस तरीके से वो अंदर की तरफ मुड़ने लगी, तो उसके बाद जो है अलग अलग जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनल्स जैसे आपका हो गया न्यूक्लियस, हो गया गॉल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब का फॉर्मेशन इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन की वजह से हुआ था। अगर पेप्टिडोग्लाइकॉन इनके चारों तरफ होते तो इनवेजिनेशन नहीं हो पाती। तो जो यूकैरियोटिक सेल थी उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकॉन सेल वॉल खत्म हो गया था। उसके बाद जो आज आप देखते हैं जैसे काइटिन की फंगी में या फिर प्लांट में सेलुलोज की, तो ये सारे जो सेल वॉल्स होते हैं इनकी ओरिजिन बाद में हुई थी। वो एक सेल्फ ओरिजिनेटेड ऑर्गन है जो कि बाद में अकॉर्डिंग टू नीड एनवायरनमेंट के चेंज के हिसाब से सेल ने ग्रो किए थे, लेकिन ये वाला जो सेल वॉल जो बैक्टीरिया में पाया जाता था वो आपके यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। तो ये तो थोड़ी सी ओरिजिन वाली इवोल्यूशन वाली बात हो गई। हमको यहाँ पे बात करना है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ग्राम पॉजिटिव में ये जो पेप्टिडोग्लाइकॉन्स की जो लेयर है, देखिए वो कई सारी है, 1, 2, 3, 4 लेयर्स हैं। तो क्या होता है कि जब हम स्टेन करते हैं, जब हम ब्लू कलर डालते हैं, क्रिस्टल वायलेट डालते हैं स्टेनिंग करते समय, तो इतनी सारी लेयर्स में से किसी न किसी लेयर्स में जो है कलर आके फिक्स हो जाता है। ठीक है, जैसे चार लेयर है और यहाँ पे से आप कुछ चीज़ें यहाँ पे डाल रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी चीज़ें यहाँ के फंस जाएँ, थोड़ी चीज़ें यहाँ फंस जाएँ, थोड़ी चीज़ें यहाँ फंस जाएँ, थोड़ी चीज़ें यहाँ फंस जाएँ, तो आपको जो ये बैक्टीरिया की जो कवरिंग है वो ब्लू कलर की दिखाई देने लगती है। लेकिन ग्राम निगेटिव में क्या होता है, ये जो पेप्टिडोग्लाइकॉन्स होता है इसकी जो लेयर होती है वो काफ़ी थिन होती है। इसमें जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन की थिक लेयर पाई जाती है। थिक मतलब मोटी लेयर, थिक लेयर पाई जाती है, और यहाँ पे जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन्स की थिन लेयर पाई जाती है। थिन मतलब पतली लेयर। तो अगर हम यहाँ से किसी चीज़ को डालते हैं, जैसे हम यहाँ से किसी चीज़ को डालते हैं तो सिर्फ एक मेम्ब्रेन है उसको कैप्चर करने के लिए। अगर हम इसको फिर वॉश कर देते हैं तो हो सकता है इसमें से कुछ जगह से चीज़ें वॉश हो जाए, लेकिन कुछ जगह फिर भी चीज़ें बची रहेंगी। लेकिन ग्राम नेगेटिव में सिर्फ एक लेयर होती है, तो बहुत हद तक चीज़ें जो बहुत हद तक जो आपने स्टेन डाला था वो जो है बह जाता है, वो स्टेन जो है धुल जाता है, तो इसलिए इसका इस जो बैक्टीरिया इसका कलर निकल जाता है। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इतने के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको कहते हैं लिपोप्रोटीन, मतलब ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। उसके बाद एक आउटर मेम्ब्रेन भी आता है, मतलब जो ग्राम निगेटिव की जो बैक्टीरियाज होती हैं इनके जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है, जो इनकी अरेंजमेंट होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और ग्राम पॉजिटिव की जो है कि नॉर्मल होती है। आपको अगर भूल जाते हैं आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में, तो आप इस तरीके से रख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे लेयर जो है एक जैसी पाई जाती है, मतलब इनमें एक जैसे लोग काफ़ी सारे लोग साथ में मिलके रहते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव इन नेचर है। और नेगेटिव मतलब है तो बहुत सारे लोग लेकिन सब अलग अलग प्रकार के हैं, तो ये इनके लिए ड्रॉबैक है। जैसे कि आप जो है कि अगर आपके पास सेम एज के या आपके सोच से मिलने वाले काफ़ी सारे लोगों का समूह होता है तो वो आपकी एक संगठन हो जाती है, और अलग अलग विचार के लोग अगर एक कम्युनिटी में एक कंपनी में आके काम करते हैं तो उनके सबके किसी एक चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव जो है वो अलग अलग होता है, तो वो उनके लिए एक निगेटिव बात होती है। तो इस तरीके से आप इसे याद करके इसे रख सकते हैं। तो ये जो है इनके जो मेम्ब्रेन में मेन डिफरेंस होता है वही है। तो आप ये याद रखें कि ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है, जबकि ग्राम निगेटिव में ये जो लेयर होती है काफ़ी थिन होती है। इतनी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो ग्राम स्टेनिंग को आप समझ सकते हैं। अगर हमको जब सेकेंड यूनिट जब पढ़ना होगा, जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, तो हम डिटेल में मतलब पेप्टिडोग्लाइकॉन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, पॉलीसैकेराइड का क्या काम होता है, आउटर मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, वो सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे। आज हमको बस स्टेनिंग देखना है, तो हम स्टेनिंग देखते हैं। हम क्या देखते हैं स्टेनिंग, तो पहले
हम क्या करते हैं, ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं स्टेनिंग के, ठीक है, ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। और ये जो है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है हमारे पास, हमने दो बैक्टीरिया लिया, एक ग्रुप जो था वो ग्राम पॉजिटिव का था, एक ग्रुप जो था वो ग्राम नेगेटिव का था। लेकिन अभी ये फिगर देख के आपको पता है कि ये ग्राम पॉजिटिव का है, ये ग्राम नेगेटिव का है। लेकिन हमको जब इसको फाइंड आउट करना होगा तो हम दोनों को क्या करेंगे, पहले वही जो सारे प्रोसीजर मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि स्लाइड लेंगे, उस पर उसको स्लाइड्स करेंगे, वाटर डालेंगे, उसके बाद बैक्टीरिया को ला के उस पर डालेंगे, उसको हीट फिक्स करेंगे, हीट फिक्स करने के बाद उस पर जो है स्टेन डालेंगे, स्टेन को सुखाएंगे, स्टेन को वॉश करेंगे, उसके बाद हम जो है उसके ऊपर जो स्टेन डालते हैं, जैसे हम लोग प्रोसीजर में जब स्टेन डालते हैं तो हम पहले स्टेन डालेंगे कौन सा, क्रिस्टल वॉयलेट। हमने पढ़ा कि एसिडिक स्टेन्स होते हैं, बेसिक स्टेन्स होते हैं। तो हमने जब पढ़ा कि कैटायनिक जो स्टेन्स होते हैं उसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा था क्रिस्टल वॉयलेट का। तो हम बैक्टीरिया में वो ग्राम पॉजिटिव वाले में भी और ग्राम नेगेटिव वाले में भी, दोनों में हम क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे। तो जब हम क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे तो दोनों जो बैक्टीरियाज होंगी वो नीले कलर की हो जाएंगी, ठीक है, दोनों जो बैक्टीरिया है वो नीले कलर की हो जाएंगी। उसके बाद हम इसको आयोडीन ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब कि हम इसको आयोडीन देंगे। आयोडीन क्यों देंगे, जैसे हमने देखा था फिक्सेशन के लिए, मतलब फिक्स करने के लिए। जैसे हमने इसमें कलर डाल दिया, अब हमको इसको वॉश करना है, तो उसके पहले, वॉश करने के पहले हम इसमें कुछ एजेंट डालते, कुछ रिएजेंट डालते हैं जो कि इस कलर को जो हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाला है वो बैक्टीरिया के साथ फिक्स कराने में हेल्प करती है। तो हम आयोडीन ट्रीटमेंट करेंगे तो ये दोनों जो बैक्टीरिया है इनके कलर थोड़े से डल हो जाएंगे। दोनों का प्रोसीजर अभी तक सेम चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम इसे अल्कोहल से वॉश करेंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल वाटर से चीज़ों को वॉश कर रहे थे। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की जो स्टेनिंग है, जो ग्राम स्टेनिंग है, इसमें जब हम वॉश करते हैं तो अल्कोहल डालते हैं। जब हम अल्कोहल डालते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहती है वो उसी कलर में रहती है, लेकिन अल्कोहल से वॉश करने के बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो कलर है वो पूरी तरह वॉश हो जाता है। अब क्यों वॉश हो जाता है, क्योंकि इसके पास जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन थी उसकी एक लेयर प्रेजेंट थी, और इसको जब हम अल्कोहल से वॉश करते हैं तो लगभग सारा स्टेन जो है निकल जाता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट थी जिसकी वजह से हम स्टेन डालते हैं तो वो कलर जो है वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद जब ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमारे पास जो ये ऑर्गेनिज्म था ये ब्लू कलर का मिल गया, और जो हमारा ग्राम नेगेटिव था वो वाइट कलर का मिल गया। तो हमको इसको भी कोई ना कोई कलर देना था ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि अच्छा ब्लू वाला ये है, क्योंकि वाइट अगर हो गया मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया, तो ट्रांसपेरेंट चीज़ों को हम ईजिली नहीं देख सकते। और हमको ग्राम नेगेटिव की स्टडी करनी होगी तो हम क्या करेंगे, ग्राम नेगेटिव की स्टडी करनी होगी तो हमारे पास जो वाइट स्टेन बचेगा, जो ट्रांसपेरेंट जो सेल्स बचेगी उस पर हम काउंटर स्टेन करेंगे। काउंटर स्टेन का मतलब उसमें हम क्या करेंगे, सेफेरिन डालेंगे, जो डाई डालेंगे वो कौन सा है, सेफेरिन है। तो सेफेरिन जब डालेंगे तो हमारे पास जो कलर मिलेगा वो पिंक मिलेगा। इतनी बात समझ में कि क्या क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि आपके पास दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, एक आपके पास ग्राम पॉजिटिव है, एक आपके पास ग्राम नेगेटिव है। मान लीजिए कि अभी आपको नहीं पता है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, इसको भी फिक्स पहले स्लाइड बनाएंगे दोनों का, और दोनों में जो है बैक्टीरिया को लाएंगे, पेट्रीप्लेट से बैक्टीरिया को लाएंगे और अपने स्लाइड पर लगा देंगे, उसके बाद उसको हीट फिक्स कर देंगे। दोनों के साथ सेम काम कर रहे हैं। अब दोनों जो हमारे पास बैक्टीरिया है इसको क्या करते हैं, खाली पेज पर ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, स्लाइड बनाई, हमने स्लाइड बनाई और इस पे जो है हमने बैक्टीरिया को फिक्स किया, बैक्टीरिया को फिक्स कर दिया, स्लाइड्स पे हमने बैक्टीरिया को फिक्स कर दिया। अब बैक्टीरिया को फिक्स करने के बाद हम दोनों को क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट से कलर करेंगे। दोनों बैक्टीरिया को हम क्रिस्टल वॉयलेट से कलर करेंगे तो हमारे पास जो बैक्टीरिया आएंगी वो ब्लू कलर की आएंगी, हमारे पास जो बैक्टीरिया मिलेंगी वो ब्लू कलर की मिलेंगी। अभी हमको नहीं पता कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। अब हम इस पर क्या करेंगे, अब क्रिस्टल वॉलेट कलर डालने के बाद जब हमको ब्लू कलर मिल गया तो इसको आयोडीन डालेंगे, आयोडीन का ट्रीटमेंट देंगे, आयोडीन ट्रीटमेंट देंगे फिक्स करने के लिए, ट्रीटमेंट आयोडीन का जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो हमारे पास जो कलर है वो फिक्स हो जाएगा और कलर थोड़ा सा डल भी हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी दोनों के साथ होगी,
आयोडीन ट्रीटमेंट भी हो गया। अब आयोडीन ट्रीटमेंट देने के बाद ये क्या करेगा, फिक्सर की तरफ वर्क करेगा। फिक्सर का मतलब ये कलर को यहाँ पे फिक्स करेगा। आयोडीन ट्रीटमेंट देने के बाद, फिक्सर का यूज़ करने के बाद, ये जो बैक्टीरिया थी इनको हम क्या करेंगे, एल्कोहल से वॉश करेंगे। एल्कोहल से जब वॉश करेंगे तो ये हमारे पास जो बैक्टीरिया थी ये तो इसी कलर की रहेगी। हमारे पास जो एक बैक्टीरिया का ग्रुप था वो उसी कलर का रह गया, लेकिन जो दूसरी बैक्टीरिया की ग्रुप थी वो, मान लीजिए इस पर अगर हम, मैं ब्लैक कलर से लिखती हूँ, मतलब वाइट कलर से लिखती हूँ तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इसको ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया थी ये क्या हो गई, डीकलराइज्ड हो गई। तो एक ग्रुप जो था वो डीकलराइज्ड हो गया, एक ग्रुप जो था वो सेम कलर में रहा। अब जो ग्रुप डीकलराइज्ड हुआ था उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, काउंटर स्टेन का मतलब क्या, सेफेरिन एक पिगमेंट होता, सेफेरिन एक डाई होती है, सेफेरिन उसके साथ हम क्या करेंगे कि हम सेफेरिन के साथ इसको कलर करेंगे। तो जब सेफेरिन के साथ कलर करेंगे तो हमारे पास पिंक कलर तो है नहीं, रेड कलर है। तो ये जो हमारे पास जो बैक्टीरिया मिलेगी वो किस कलर की मिलेगी हमको, वो मिलेगी पिंक कलर की जो बैक्टीरिया मिलेगी उसको हम मान लेंगे कि ये बैक्टीरिया जो है ये कौन सी थी, ग्राम-नेगेटिव थी, और जो दूसरी बैक्टीरिया थी वो ग्राम, ये जो बैक्टीरिया थी वो कौन सी थी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थी। तो प्रोसेस समझ में आया कि ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं, पूरी क्लियर होगी कॉन्सेप्ट कि ग्राम स्टेनिंग, और जो ग्राम स्टेनिंग में जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं जो ग्राम नेगेटिव हैं दोनों का प्रोसेस कैसे होता है। पहले क्रिस्टल वायलेट से कलर करते हैं तो दोनों ब्लू कलर के जाते हैं, उसके बाद आयोडीन डालते हैं उनको फिक्स करने के लिए, तो जो पॉजिटिव रहता है जो नेगेटिव रहता है दोनों के कलर थोड़े से डल हो जाते हैं। उसके बाद अल्कोहल से वॉश करते हैं, अल्कोहल से जब वॉश करते हैं तो हमारी जो बैक्टीरिया है वो जो पॉजिटिव वाली रहती है वो उसी कलर में रहती है, नेगेटिव वाली जो है वो डीकलराइज्ड हो जाती है। डीकलराइज होने के बाद उसके बाद काउंटर स्टेन डालते हैं जो कि सेफेरिन है, तो सेफेरिन जो है काउंटर स्टेन के बाद पिंक कलर देती है, और ये वाली जो बैक्टीरिया होती है ये अपने उसी कलर में रहती है। तो ये वाली बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव होगी और जो पिंक कलर में आ जाती है वो ग्राम नेगेटिव हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ये फिगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लिखेंगे कि जब ग्राम पॉजिटिव, इन द स्टेनिंग ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, या फिर इन द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस, फर्स्ट वी टेक टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया एंड फर्स्टली फिक्स ऑन द स्लाइड्स, एंड देन वी पुट द स्टेन क्रिस्टल वॉलेट ऑन बोथ ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया। वेन वी पुट क्रिस्टल वॉलेट कलर, देन बोथ ऑफ द बैक्टीरिया गिव ब्लू कलर, एंड वेन And the next step with treatment with iodine, the both group of bacteria and it's give the blue color also. The color is, मतलब कि इनका जो कलर है वो थोड़ा सा जो है निकल जाता है, तो फिर ये दोनों ब्लू कलर देते हैं। आफ्टर दिस वी ट्रीटेड इट विथ एल्कोहल, देन द ए वन ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया इज डीकलराइज एंड नेक्स्ट ग्रुप इज इन सेम कलर, क्योंकि इस ग्रुप में जो है कलर निकलता है नहीं है अल्कोहल, जब ग्राम निगेटिव वाली जो बैक्टीरिया होती है उनके मेम्ब्रेन से अल्कोहल निकल जाता है। आफ्टर दैट वी डू काउंटर स्टेन विथ सेफेरिन डाई एंड द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया गिव पिंक कलर एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया गिव ब्लू कलर। तो ये सारे सिंपल से स्टेप्स थे जिसे कि आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसिड फास्ट स्टेनिंग क्यों की जाती है। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग इसलिए की जाती है, जैसे कि आपने बैक्टीरिया पढ़ा होगा जब 11th में, तो आपने पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया होती है इनके जो आउटर कवरिंग होती है, बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग होती है उस पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहते हैं कैप्सूल। तो इन कैप्सूल को पेनिट्रेट करके स्ट्रेन का अंदर जाना इतना इजी नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया दो प्रकार की होती है, एक के पास कैप्सूल होता है जो कि स्मूथ होती हैं, जो कि जिनके पास कैप्सूल होता है वो क्या होती है, स्मूथ होती हैं, और एक के पास कैप्सूल नहीं होता है वो रफ होती हैं। जिनके पास कैप्सूल नहीं होता वो रफ होती हैं। तो अभी तक हम जो बैक्टीरिया का स्टेन कर रहे थे वो नॉन कैप्सुलेटेड थी, उनके पास कैप्सूल नहीं था। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसी बैक्टीरिया की स्टडी करनी है जिसके पास कैप्सूल प्रेजेंट हो, मतलब ये लेयर जो होती है वो काफ़ी थिक होती है, तो ये लेयर जो काफ़ी थिक होती है तो इसको थिक कर लेते हैं।
तो यहाँ से किसी भी कलर का पेनिट्रेट होके, किसी भी स्टेन का पेनिट्रेट होके अंदर जाना इतना इजी नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा व्यवस्था करते हैं, ऐसा तिकड़म लगाते हैं कि ताकि ये जो पेनिट्रेट जो कलर है वो पेनिट्रेट करके अंदर जा सके। तो क्या करना होगा, तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको जो है कुछ ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड के साथ कांटेक्ट मिलाते हैं जिससे कि इसकी जो मेम्ब्रेन है इसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। फ्लूइडिटी का मतलब क्या, कि फ्लूइडिटी का मतलब जैसे आप जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइडिटी इन नेचर होता है। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा, बनाया भी होगा, जानते भी होंगे। तो इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो ये जो लिपिड्स पास पास प्रेजेंट है ये थोड़े दूर दूर प्रेजेंट हो जाएंगे, इनका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। जब दूर दूर हो जाएगा तो किसी भी चीज़ को यहाँ से क्रॉस करके आने जाने में आसानी होगी, और कंपेयर टू जब चीज़ें बहुत पास पास प्रेजेंट होगी, मतलब लिपिड के मॉलिक्यूल जब बिल्कुल सटे सटे होंगे, तो अगर यहाँ से किसी भी चीज़ को क्रॉस होके जाना है, जैसे मेरी ये फिंगर है बिल्कुल सटी है, और अगर मुझे यहाँ से स्पिन को इस तरीके से क्रॉस करके इस तरीके से इधर लाना है तो ये डिफिकल्ट होगा। और अगर मैं किसी तरीके से अपने फिंगर्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दूँ और स्पिन को यहाँ से क्रॉस कराना तो वो ईजिली क्रॉस हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर करना होता है। अगर हमको स्ट्रेन को कलर को यहाँ पर डालना है तो को क्या करना होगा कि इसके बीच में फ्लूइडिटी बढ़ानी होगी। फ्लूइडिटी कैसे बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ। कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो कि फ्लूइडिटी को बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल है फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि जो बैक्टीरिया उसको थोड़ा हीट देंगे, तो उसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद स्टेन यहाँ पे इंटर कर जाएगा। जब स्टेन इंटर कर जाएगा तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया के कुछ कंपाउंड्स होंगे जो इन स्टेन को रोक के रख पाएंगे। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर वो कंपाउंड होंगे जो स्टेन को रोक के रख सकते हैं, उसको हम कह देंगे कि ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। और जो बैक्टीरिया उस स्टेन को रख नहीं पाएंगे, जब उसको हम वॉश करेंगे तो बैक्टीरिया वो जो स्टेन है वो भी सेल के साथ बाहर निकल आएंगे, तो उसको हम कहते हैं कि ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया नहीं है। तो इसी के हिसाब से इसी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग की जाती है। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग जो होती है वो भी एक प्रकार की डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है। डिफरेंशियल स्टेनिंग की हमने दो टाइप्स पढ़े, एक ग्राम स्टेनिंग और दूसरा आज क्या पढ़ रहे हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो दो टाइप हमने पढ़ी, तो ग्राम स्टेनिंग की तो बात हो गई, आज हम बात कर रहे हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग की। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग इज अ डिफरेंशियल स्टेन विच यूज टू आइडेंटिफाई मेम्ब्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम। मेनली जो है माइकोबैक्टीरियम जो ग्रुप ऑफ मेंबर होता है, जो ट्यूबरकुलोसिस या माइक्रोबैक्टीरियम के जो मेंबर होते हैं, उनकी स्टेनिंग करने के लिए हम ये टेक्निक्स यूज करते हैं। किसके लिए, माइकोबैक्टीरियम, इनको स्टेन करने के लिए हम ये टेक्निक्स यूज करते हैं। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग, जीहेल निहलसन स्टेन, इसको एक और नाम दिया जाता है जीहेल निहलसन स्टेन्स। क्यों कहते हैं इसको, एसिड फास्ट स्टेन को जीहेल निहलसन स्टेन इसलिए कहते हैं क्योंकि जीहेल एंड निहलसन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस जो स्टेनिंग का जो प्रक्रिया है इसके बारे में बताया था। तो इसको ये भी कहते हैं हीटिंग ऑफ बैक्टीरिया विद बेसिक फ्यूशन एंड फिनॉल्स। मैंने बोला था कि जब चीज़ों को गर्म करते हैं, जब बैक्टीरिया को गर्म करते हैं तो इनकी फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है। तो हम क्या वही चीज़ यहाँ पे दी है, जो बैक्टीरियल एसिड फॉर स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं बैक्टीरिया को, जो सेल है उसको गर्म करते हैं किसके साथ, एक बेसिक डाई होती है फ्यूशन एंड फिनॉल कंपाउंड के साथ। कुछ कंपाउंड्स भी हेल्प करते हैं फ्लूइडिटी को बढ़ाने में और कुछ डाई भी हेल्प करते हैं फ्लूइडिटी को बढ़ाने में। तो बेसिक फ्यूशन जो है वो एक कंपाउंड है, एक डाई है जो कि इंक्रीज करता है। दूसरे साथ साथ जो है फिनॉल एक कंपाउंड है जो कि एसिड मतलब कि फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है। आगे क्या दिया है, फिनॉल्स हेल्प एट हीट ट्रीटमेंट इज स्टेन पेनिट्रेट द सेल वॉल वंस स्टेन। देखो जो फिनॉल के साथ जब हम बैक्टीरिया को हीट करते हैं तो एक तो हीट की वजह से फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है, दूसरी जो है फिनॉल की वजह से भी फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है, मतलब जो लिपिड्स पास प्रेजेंट थे उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस बन जाता है ताकि हमारा जो स्टेन है वो अंदर जा सके। तो हम ट्रीटमेंट देते हैं स्टेन का, स्टेन
पेनिट्रेट द सेल वॉल, वो सेल वॉल को क्रॉस करता है एंड वंस स्टेन एंटर, और जब एक बार स्टेन सेल में एंटर कर जाता है इनटू द सेल वॉल, एसिड फॉस सेल, जो सेल एसिड फास्ट होती हैं, आर नॉट ईजिली डीकलराइज, उनको आसानी से डीकलराइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर जब आपने एक बार टेम्परेचर मतलब कि कम मतलब बढ़ाया तो स्टेन अंदर कर हो चुका है, अब जब हीट कम हो जाएगा, जब आपने हीट देना बंद कर दिया तो फिर से वो प्रॉपर कैप्सूल बन जाएगा। तो जब प्रॉपर कैप्सूल बन जाएगा, देखिए हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ये कैपेसिटी होती है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं ताकि फ्लूइडिटी प्रॉपर बनी रहे, और जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे आप सिकुड़ जाते हैं ठंडी में, वैसे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सिकुड़ जाती है, तो उसके मतलब मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, तो टेम्परेचर जब कम होगा तो अपने आप पास आ जाएंगे, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अपने आप दूर चले जाएंगे। तो आपने हीट दिया, स्टेन अंदर आ गए, लेकिन फिर हीट देना जब बंद कर दिया तो फिर जो आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पास पास आ जाएंगी। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो इट इज़ नॉट ईजी टू डीकलराइज, तो उनके अंदर सेल के अंदर जो डाई है वो भर चुकी है। जैसे ये जो एक बैक्टीरियल सेल थी, इसके बाहर ये कैप्सूल था, अगर इसके अंदर कोई स्टेन भर चुका है और ये जो कैप्सूल है फिर से स्ट्रांग हो चुकी है, तो इसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। लाइक आप किसी घर में हैं, आपने घर में एंट्री की किसी भी वजह से, मान लीजिए आप किसी के घर में जाते बिना परमिशन के, आप पीछे वाले गेट आपको खुला दिखता है, आपने एंट्री कर ली, लेकिन उसके बाद वो गेट बंद हो जाता है, तो आप उस रूम में कैद हो जाते हैं। उसी तरीके से जब गेट खुला था, जब फ्लूइडिटी थी, तो ये स्ट्रेन जो है वो सेल में इंटर कर लिया, लेकिन अब जो है वो गेट ऑफ हो चुके हैं, वो गेट बंद हो चुके हैं, तो ये स्टेन यहीं पे मतलब कैप्चर हो जाएगा, यहीं पे फंस जाएगा। तो इसको इसलिए इसको डीकलराइज करना इजी नहीं होता बाय एन एसिड अल्कोहल ट्रीटमेंट, इसीलिए इसका नाम दिया गया है एसिड फास्ट स्टेनिंग, मतलब एसिड डालने पे, अल्कोहल डालने पे अगर जल्दी से वो डीकलराइज हो जाता है तो इसका मतलब वो एसिड फास्ट जो है कि ऑर्गेनिज्म नहीं है, अगर वो नहीं होता है तो वो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है। तो इनका जो अल्कोहल से जब ट्रीटमेंट किया जाता है इनको डीकलराइज नहीं किया जाता, हेंस रिमेन रेड कलर, जबकि तब ये क्या होता है रेड कलर का होता है, मतलब जो स्टेन्स यहाँ पे एसिड फुशीन और फिनॉल्स यूज़ किया जाता है तो एसिड फुशीन जो होता है वो रेड कलर देता है। इतनी बात समझ में आई कि ये रेड कलर देता है, और जब वो उसमें से स्टेन बाहर नहीं निकल पाएगा तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे या एसिड फास्ट जो माइक्रो बैक्टीरिया होंगे उनका कलर कितना आएगा, रेड आएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ माइकोलिक एसिड ब्रांच ऑफ हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, इसके अंदर लॉन्ग ब्रांचेस जो है माइकोलिक एसिड होती है जो कि इस स्टेन को पकड़ के रखती हैं। उसके बाद नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया नॉन एसिड फास्ट होते हैं वो डीकोलराइज होते थे, वो जल्दी से डीकोलराइज हो जाते हैं, सो इट इज़ नॉट विजिबल लॉन्गर टाइम फाइनली। जैसे हमने ग्राम नेगेटिव जब सेंटर वो देखा था, स्टेनिंग देखा था, ग्राम स्टेनिंग जब देखा था तो पहले दोनों ब्लू कलर के थे, लेकिन जब अल्कोहल से वॉश किया गया तो जो ग्राम नेगेटिव वाले थे उनका कलर निकल गया। जैसे उसी तरीके से यहाँ पे भी जब हमने स्टेन किया तो पहले दोनों रेड कलर के दिखे, लेकिन जिसमें से स्टेन निकल सकता था जब उनको हमने एसिड से वॉश किया, एसिड और अल्कोहल से वॉश किया, तो वो उनका कलर निकल गया। तो जब कलर निकल जाएगा तो वो विजिबल नहीं रहेंगे, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। उसके बाद उसका भी काउंटर स्टेन किया था, जैसे ग्राम पॉजिटिव का ग्राम नेगेटिव का हमने काउंटर स्टेन किया था, वैसे यहाँ पे काउंटर स्टेन विथ हाई ब्लू इज अप्लाइड मिथाइल ब्लू, यहाँ पे काउंटर स्टेन होगा STAIN स्टैंड लिखा गया है, तो काउंटर स्टेन विथ हाई ब्लू, जब काउंटर स्टेन किया जाएगा हाई ब्लू इज अप्लाइड मिथाइल ब्लू कलर नॉन एसिड बैक्टीरिया इन ब्लू कलर, मतलब आपका जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो किस कलर का मिलेगा, जो आपका एसिड फास्ट बैक्टीरिया है मतलब एसिड फास्ट बैक्टीरिया किस कलर का मिलेगा, वो मिलेगा आपको रेड कलर का, वो मिलेगा आपको रेड कलर का, और जो नॉन एसिड फास्ट है, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो आपको देखने को मिलेगा ब्लू कलर का। बात समझ में आई कि जो एसिड फास्ट था वो रेड कलर का दिखेगा, जो नॉन एसिड था वो ब्लू कलर का दिखेगा। अब जब एसिड वाले की बात हो रही तो ग्राम वाले की बात कर लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव जो था वो आपको मिलेगा ब्लू कलर का, और ग्राम निगेटिव जो था वो आपको मिलेगा पिंक कलर का। ठीक है,
तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको स्टेन करने के बाद जो सेल्स होंगी वो किस कलर की मिलेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक फिगर देख लेते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग का, उसके बाद हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या किया गया है, एक प्लेट लिया गया है पेट्री प्लेट, उसके बाद उस पेट्री प्लेट में क्या किया गया है, एप्लीकेशन ऑफ कार्बन 14 प्राइमरी स्टेन्स, जो कि हमने देखा था कि हीट के साथ हम क्या करते हैं, 14 डाई को यूज करते हैं, तो वही यहाँ पे किया जा रहा है। वो करने के बाद इसको जो है हीट दिया जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट तो हमने पहले ही दे दी, दोनों को साथ में दे दिया, तो उसको अलग अलग करके दिखाया गया है। इसको देखिए, इस तरीके से किसी बीकर के ऊपर रख के यहाँ पे हीट दिया जाता है और यहाँ पे ये थोड़ा हीट हो जाता है। हीट देने के बाद जो है इसको डीकलराइज किया जाता है एसिड अल्कोहल से डीकलराइज्ड किया जाता है, जो आपके स्टेन्स होते हैं डीकलराइज्ड किया जाता है। डीकलराइज्ड करने के बाद जिसके पास रेड कलर होता है वो आपका होता है एसिड फास्ट, और जिसके पास ब्लू कलर होता है वो आपका क्या होता है, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो दोनों स्टेप्स मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगर आपसे एमसीक्यू सॉल्व होता है तो आप और सारे एमसीक्यूज को जाके घर पे सॉल्व करेंगे। अगर आपसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा तो आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके इसके पहले वाली वीडियो जिसमें स्टेनिंग की बेसिक्स डिस्कस की है, और इस वीडियो को भी फिर से देखेंगे और अपने प्रॉपर नोट्स को रिविज़न करने के बाद फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, और भी क्वेश्चन अपने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके आप लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि विच केमिकल इज यूज्ड एज मॉडरेंट इन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग जब की जाती है तो कौन सा केमिकल मॉडरेंट की तरह यूज किया जाता है, आपका ये क्वेश्चन है। और आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है आयोडीन, ऑप्शन सेकंड है क्रिस्टल वायलेट, ऑप्शन थर्ड है सेफरीन, ऑप्शन डी है फिनॉल। तो आप लोग सोचिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आंसर दीजिए। आप लोग वीडियो को और पॉज करके आंसर को सोच सकते हैं, मैं आपको आंसर बताती हूँ। देखिए, आयोडीन ग्राम स्टेनिंग में इसका यूज़ किया जाता था, किसकी तरह, क्रिस्टल वायलेट का भी यूज़ किया जाता था और सेफरीन का, इन तीनों चीज़ों का हम लोग यूज़ करते थे किसमें, ग्राम स्टेनिंग में STANING, ग्राम स्टेनिंग में। और इसका हम लोग यूज करते थे एसिड फास्ट स्टेनिंग में। ठीक है, अब सेफरीन का जो यूज था वो किसकी तरह था, वो काउंटर स्टेन की तरह यूज होता था, और जो हमारा क्रिस्टल वायलेट था वो यूज किसकी तरह होता था, प्राइमरी डाई की तरह इसका यूज़ होता था। और जो आयोडीन था इसका यूज़ करते थे मॉडरेंट की तरीके से, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होता है कि मॉडरेंट जो है वो आयोडीन होता है फॉर ग्राम स्टेनिंग। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, मान लीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन देना था तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ग्राम स्टेनिंग की पूरी प्रोसेस क्या है। पहले क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट से कलर किया जाता है, क्रिस्टल वायलेट से कलर करने के बाद उसको आयोडीन से फिक्स किया जाता है, आयोडीन से फिक्स करने के बाद उसको अल्कोहल से वॉश किया जाता है, डीकलराइज किया जाता है। ग्राम पॉजिटिव डीकलराइज नहीं होता है, ग्राम नेगेटिव डीकलराइज होता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को फिर काउंटर स्टेन कहते हैं, किसके द्वारा, सेफरीन के द्वारा। और सेफरीन से जो पिंक कलर देता है वो ग्राम नेगेटिव होता है, और जो ब्लू कलर देता है आपका वो ग्राम पॉजिटिव होता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो फिर सिर्फ उसका आंसर मत देखिए, उसके बाकी सारे ऑप्शन गलत क्यों हैं और कौन सा ऑप्शन सही है उसके बारे में भी देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टेन। जो एसिड फास्ट टेक्निक है स्टेन करने की, उसका यूज़ किस टाइप के बैक्टीरिया को स्टेन करने में किया जाता है। पहला दिया है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा दिया है ग्राम नेगेटिव, तीसरा दिया है माइक्रोबैक्टीरियम, चौथा दिया है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होती है
और ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होती है इनके चारों तरफ कोई कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब कि ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, कैप्सुलेटेड, ठीक है, ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। तो इनके अंदर तो फिर जो है कि एसिड फास्टेनिंग का कोई यूज़ भी नहीं हुआ। जब हमने पढ़ी थी स्लाइड तो हमने पढ़ा था कि माइक्रोबैक्टीरियम का यूज़ किया जाता है एसिड फास्टेनिंग में, मतलब कि माइक्रोबैक्टीरियम सेल को स्टेन करने के लिए एसिड फास्टेनिंग का यूज़ किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस में भी ये प्रोसेस नहीं होती। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है माइक्रोबैक्टीरियम। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर टू स्टेनिंग रिएजेंट टू ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में जो स्टेन्स यूज़ किए जाते हैं उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहले क्रिस्टल वॉलेट दिया है, फिर अल्कोहल दिया, फिर आयोडीन दिया, फिर सेफरिन दिया है। सेकेंड वाले में क्या है, क्रिस्टल वॉलेट दिया है, आयोडीन दिया है, फिर अल्कोहल दिया, फिर सेफरिन दिया है। थर्ड वाले में क्या दिया, क्रिस्टल वॉलेट दिया, सेफरिन दिया, अल्कोहल दिया, फिर आयोडीन दिया है। फोर्थ वाले में क्या है, आयोडीन दिया है, क्रिस्टल वॉलेट दिया, अल्कोहल दिया, फिर सेफरिन दिया है। तो आप टाइम लीजिए, सोचिए क्वेश्चन को, आंसर देखिए और मिलाइए कि आपने जो स्टेप्स पढ़े थे उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए, उसके बाद वीडियो कॉल करके मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर दिया वो सही है कि नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन में आपको पता है कि जब आप ग्राम स्टेनिंग करते तो सबसे पहले क्रिस्टल वॉलेट आता था, तो ये तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ये ऑप्शन गलत हो सकता है। अब इन तीनों ऑप्शन में से हमको देखना है कि हमारा कौन सा सही है, क्रिस्टल वॉलेट। अब क्रिस्टल वॉलेट के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप्स आता है आयोडीन से फिक्स करने का। अरे कोई कलर डालेंगे उसको फिक्स करेंगे तभी तो उसको वॉश करेंगे, कि पहले वॉश कर देंगे तब फिक्स करेंगे, पहले तो फिक्सर डालेंगे फिक्स करेंगे तब वॉश करेंगे। तो फिक्सर क्या है, इसमें क्या अल्कोहल है, अल्कोहल से तो वॉश करते हैं। आयोडीन क्या है, इससे फिक्स करते हैं। और सेफरिन क्या है, सेफरिन से तो काउंटर स्टेनिंग करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत, ये वाला भी ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन पहले से गलत था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या जाता है, ऑप्शन बी। आगे भी देख लेते हैं, उसके बाद अल्कोहल से उसको वॉश करते हैं और सेफरिन से इसका काउंटर स्टेन करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको स्टेप्स याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे। देख लेते हैं और क्वेश्चंस हैं। हाँ अभी दो क्वेश्चंस और हैं, तो दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। विच बैक्टीरिया अपीयर्स पर्पल वॉयलेट कलर आफ्टर स्टेनिंग। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया था जो कि ग्राम स्टेनिंग के बाद पर्पल कलर देता था। ऑप्शन क्या है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, नाइदर ग्राम पॉजिटिव नॉट ग्राम निगेटिव। मतलब कि ग्राम पॉजिटिव देता था कि ग्राम निगेटिव देता था, कि बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव दोनों देते थे, कि ना तो ग्राम पॉजिटिव देता था ना कि ग्राम निगेटिव देता था। तो आपको याद होगा, मैंने आपको भी लिखा भी था कि जो ब्लू या पर्पल कलर देता था वो कौन देता था, ग्राम पॉजिटिव। क्योंकि ग्राम निगेटिव क्या देता था, वो क्या देता था, पिंक कलर देता था। बोथ तो दे नहीं सकता, अगर बोथ देगा तो डिफरेंस स्टेनिंग हो ही नहीं पाएगी, दोनों अगर सेम कलर देंगे तो डिफरेंस कहाँ से आएगा, और नाइदर का तो मतलब ही नहीं क्योंकि एक जो है वो ब्लू कलर देता है। तो ग्राम पॉजिटिव इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव वाले जो बैक्टीरिया है वो स्टेन के बाद पर्पल कलर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा है जो कि एग्जाम्पल है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, तो एस्चुरिया इकोलाई जो है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे बस इतने ही थे, आप और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो है कि आप जो है कि अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। नोट्स को प्रिपेयर करने के साथ साथ ये स्टेनिंग वाली जो टॉपिक है वो आज की वीडियो में ख़त्म होती है। इसके बाद जो आपका जो टॉपिक है सिलेबस पे देख लेते हैं कि इसके बाद आपका कौन सा टॉपिक है। इसके बाद आपको सैंपल प्रिपरेशन करना है कब, उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए आपका जो टॉपिक है वो क्या है, सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसमें सैंपल किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ये हम कल देखेंगे, कल इसको खत्म करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉमन, उसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, कॉमन इक्विवेलेंट फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल लैब एंड प्रिंसिपल ऑफ दियर वर्किंग। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उनका क्या फंक्शन है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बारे में। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, ऑटोक्लेव पढ़ना है, ओवन, लेमिनार, एयर्स, तो ये सारी चीज़ों को एक एक या दो दो करके हम जैसा टॉपिक रहेगा उस हिसाब से आपका पर लेक्चर में खत्म कर देंगे। आपका फर्स्ट यूनिट यहाँ पे एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक था फर्स्ट वीडियो आपका, स्टेनिंग ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे सैंपल प्रिपेयर करते हैं उसको स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब तो आपने कर
रखा होगा तो उसको बोलने की जरूरत है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।